आज मम्मी आपको एक नया तरीका बता रही हैं जिसमें मम्मी सीताफल की कटलेट बनाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे वो बनाई जाती है। नमस्कार। आपने कटलेट तो कई तरीके की खाई होंगी, पर आज मैं आपको एक नए तरीके की कटलेट बता रही हूँ, सीताफल की कटलेट। इसमें मैंने 250 ग्राम सीताफल लिया था और 3 स्लाइस पीस बैठ के भिगो के रख लिए थे मैंने पहले। अब इनको और सीताफल को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था जिससे उसका पानी उसमें ना रहे। और ये मम्मी ने मोटा घिसा है तो आपको भी मोटा ही घिसना है, इसे बारीक बारीक मत करो। बारीक से बारीक, अगर आप पतला घिसेंगे तो उसमें पानी ज़्यादा छूटेगा। आपको इसको घिसने के बाद, सीताफल को कद्दूकस करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से आपको निचोड़ना है, क्योंकि इसमें वैसे ही बहुत पानी होता है। और आप अगर इसको पतला घिसेंगे तो उससे पानी आपका ज़्यादा आएगा उसमें। अब इसमें मैंने ब्रेड 3 स्लाइस पीस ब्रेड लिए थे, 250 ग्राम ये सीताफल था, तो इनको मैंने अच्छी तरह से सबको मिला लिया। अब इसमें मैं डालूंगी 3 कटी हुई हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का घिसा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे हम थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च, क्योंकि सीताफल थोड़ा सा मिठास में होता है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़े मसाले तेज डालने पड़ेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। गैस ऑन कर देंगे। ये मम्मी ने तेल डाल दिया था कढ़ाई में। रिफाइंड है ये, आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें कटलेट डालेंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेना है, मिला लेना है सब चीजों को। अगर आपको लगता है कि हमारा थोड़ा सा पतला हो रहा है, बाइंड नहीं हो पा रहा, तो आप इसमें एक स्लाइस ब्रेड पीस दोबारा भिगो के डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इसे। वाई डालू है आपके पास तो आप ब्रेड की जगह आप इसमें वाई डालू भी डाल सकते हैं। तो ऐसे आपको अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेना वरना आप हाथ को धो भी सकते हैं। थोड़ा हाथ पे घी लगा लिया, तेल आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसको हम आप कोई सी भी इसमें शेप बना सकते हैं, गोल लंबी। ऐसी भी आपको पसंद है उस हिसाब से शेप बना सकते हैं इनकी। भी इसको जरूर ट्राई करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। कुछ आपको अलग सा खाने का मन होता है तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि आलू के कटलेट वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा और आपके सबसे लिए। अच्छी बात है कि सीताफल कोई जल्दी से खाना पसंद भी नहीं करता है, लेकिन वो हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो हम ऐसे भी उसको खा सकते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है सीताफल। पहले टाइम में, पुराने जब टाइम में लोग खाना बनाते थे पक्का, तो उसके साथ सीताफल बनता ही था, जिससे वो सारा खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता था उससे। देखिए अब जैसे ही रखे रखे थोड़ा सा
गीला पड़ जाता है इसके, ये है इसमें आपको पूरा इसका पानी आपको निचोड़ना पड़ेगा। ये तो ये अब ये तलेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो जब ये तल जाएंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। ये कितना इनका प्यारा कलर आया है, ये बिल्कुल अब तल चुके हैं। अब हमारे तैयार हो चुके हैं कटलेट, अब हम निकालेंगे, उतार लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये थी आज हमारी एक छोटी सी रेसिपी, सीताफल के कटलेट। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, तो आप भी इनको ज़रूर बनाना और फिर बताना कि आपको ये कैसे लगे। बाय।